हलचल टीवी न्यूज। कुरुक्षेत्र पिपली NH1 फ्लाईओवर पर दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से निकाला गया और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाईवे पर इस दुर्घटना की वजह से लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे थाना सदर पिपली प्रभारी दलीप सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि गाड़ी का डिवाइडर से टकराकर संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण दुर्घटना हुई। पुलिस घायलों के परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे सर, जो ये पिपली है, अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी है पुल के ऊपर, वो अभी आए हैं, अभी जितने भी इंजर्ड थे वो तो पहुंचा दिए हॉस्पिटलाइज, तो बाकी जाम खुल गए हैं और अभी जांच चल रही है। तो कैसे पता लगा सर, टकराई है या पलटी है कुछ? अभी फर्स्ट स्ट्राइक में तो पता चल रहा है कि ये शायद डिवाइडर से टकरा के अनबैलेंस हुई है, बाकी देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन कैसे रहेगा। कुरुक्षेत्र से हलचल टीवी के लिए दर्शन कैट की रिपोर्ट।